बेटा चंद, हा? हमारा मतलब है बेटा चिंटू, जी काम में ध्यान नहीं दे रहे हो। दुकान से बहुत कंप्लेंट आ रही है तुम्हारी। कंप्लेंट क्या आएंगी? अब मैं समोसे तलने का काम मेरा है क्या? मिल गया, मिल गया, मिल गया, मैं मिल गया। क्या खो गया, गया, मिल गया, गया। अरे महान बेटा, ऐसे उछल रहे हो जैसे अलादीन का चिराग मिल गया। नानी जी, इन्हें अलादीन का चिराग मिल भी गया ना तो भी कोई फायदा नहीं है। अभी ये अपनी एड़िया घिस रहे हैं एक्टिंग के चक्कर में, बाद में चिराग घिसते हुए नजर आएंगे। बोल दिया, निकाल ली मन की भड़ास। खैर छोड़ो, अब नानी जी, अब एक डायरेक्टर का फोन आया था। हाँ नानी जी, हमें नाटक मिला है। तुम्हें? हाँ नानी जी, हमें। अब हम ऐसे डायलॉग बोलेंगे, ऐसे डायलॉग बोलेंगे, प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों की लाइन लग जाएगी साइन करने के लिए। तुम्हें? हाँ नानी जी, हमें। अजाब गजाब घर जमाई। वैसे ये नाटक कब होगा बेटा? अब अगले हफ्ते बुधवार के दिन। ओ, बुधवार को हम वृंदावन में हैं। दोनों ही वृंदावन में। कोशिश करेंगे आने की। हाँ। इसलिए आज से रोज नाटक की हीरोइन हमारे घर रिहर्सल के लिए आएगी। क्या? ओ जीजू, नाटक की कहानी क्या है? साली जानी, इस नाटक की कहानी में हम अंधी लड़की के गूंगे भाई बने हैं, जिसकी आवाज बहन की विदाई के वक्त लौट आती है। तभी नाटक खत्म हो जाता है ना? हाँ हाँ, लेकिन लेकिन बहन की विदाई के वक्त हमारा यानी कि हीरो का 5 मिनट का एक लंबा इमोशनल डायलॉग है। 5 मिनट का ही सही नानी जी, जब मैं वो डायलॉग बोलूंगा, मुंह खोलूंगा तो सबकी आंखें खोल दूंगा और कान बंद कर देंगे। हाँ, मतलब बहुत अच्छा आएगा, मजा आएगा। कहीं हमारे नाटक की हीरोइन तो नहीं आई है? मैं देखता हूँ। नमस्ते जी, मैं नेहा, मुझे डायरेक्टर बनवारी जी ने रिहर्सल के लिए भेजा है। हाँ आइए आइए आइए। नेहा जी, ये हमारी नानी जी हैं। ये ताड़ू भाई, ये हमारी साली साहिबा, और ये हमारी प्यारी प्यारी भोली भाली धर्म पत्नी लॉली जी। नमस्ते। और ये है हमारे नाटक की हीरोइन नेहा जी। महान जी, एक बात कहूँ? जी बोलिए ना। देखिए, मैं आज और अभी से आपको भैया कह के बुलाऊंगी, इससे भाभी जी को भी परेशानी नहीं होगी और हम अपने रोल की अच्छे से दिल लगाकर तैयारी कर पाएंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है नेहा बहना। वाह बेटा, क्या बात कही है। हेलो लॉली। हाँ नानी, ये तो बहुत बढ़िया हुआ ना, मुझे एक प्यारी सी ननंद भी मिल गई। सही बात है। महान भैया, हम ना अपनी रिहर्सल कल से शुरू करेंगे, ओके? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है नेहा बहना। अरे वाह नेहा, बहुत तेज हो गई हो तुम, कसम मथुरा के मेवे की। अरे अच्छी तरह से बोतल में उतारा उस महान भैया को। अरे बोतल तो तुम ही ने दी थी ना मुझे। मैंने तो बस उस बोतल पर ढक्कन लगाया। पर वैसे भी हम जैसे नटवर लालों के लिए ये नाटक मंडली में भाग लेना तो बाएं हाथ का खेल है। नेहा, अच्छा पता है तुम्हें, उस महान के बारे में पता करने में 20-25 दिन लगे। सारा प्लान तैयार किया है, बस तुम्हें करना ये है कि किसी भी तरह उसको अपने रूप के जाल में फंसाना है और किसी तरह से खिड़की पर लाना है। उसके बाद मैं और मेरा कैमरा कसम ग्वालियर के ग्वालों की, कम से कम 7 लाख का आसामी है। बबलू, उसके बाद ना हम कहीं दूर जाके शादी कर लेंगे। हाँ शादी तो हम यहीं कर लेंगे, उसके बाद कहीं दूर चले जाएंगे। नेहा कसम कोटा के कोट, तुझे बहुत खुश रखूंगा, बहुत खुश। बबलू, नेहा, बबलू, नेहा।
नानी जानी, आपके पास सुपर पैसा है तो हमारे पास सुपर एक्टिंग। ये सुपर पैसा और अगर सुपर एक्टिंग आपस में मिल जाएं तो एक सुपर हिट फिल्म बन जाएगी। फिल्म वाह महान भैया। अरे मिया बहन, वाह क्या बात है, आप तो गजब के एक्टर है। नेहा बहना, तुम्हें एक अच्छे कलाकार की कितनी अच्छी पहचान है रे। हम हिंदुस्तानी ना बचपन से सिर्फ दो ही चीजें बहुत अच्छे से पहचानते हैं। क्या? एक तो माँ और दूसरी सिनेमा। अरे वाह क्या बात कही आपने, मजा आ गई। वैसे भैया एक इतनी ही अच्छी और बात कहूँ? हाँ हाँ। अब वो क्या है ना, मैंने हमेशा देखा है कि एक हीरो तब तक बड़ा हीरो नहीं बनता जब तक कि वो विलेन का किरदार ना निभाए। अब इसका क्या मतलब है? हाँ। इसका मतलब साफ है भैया। देखिए विनोद खन्ना, मेरा गांव मेरे देश में विलन और फिर हीरो। शाहरुख खान डर में सुपर विलन और उसके बाद सुपर डुपर हीरो, है ना? अरे हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम नेहा। वो क्या है ना कि ऐसी छोटी छोटी फिल्मों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। यानी अब मैं पहले एक विलेन बनूंगा और उसके बाद सुपरस्टार महान कपूर। मजा आ जाएगी। अच्छा तो देर किस बात की? हाँ। अब अपना बढ़िया सा विलेन वाला डायलॉग बोल के दिखा दीजिए। हाँ हाँ अभी लो। सारा मथुरा मुझे लाइन के नाम से जानता है। मोना हमारी दुकान के पेड़े लो ना। भैया क्या कर रहे हो आप? ऐसा नहीं, कुछ अच्छा कुछ दमदार डायलॉग बोल के दिखाइए। एक काम करते हैं, आप मेरे साथ आइए। आइए। हाँ कहाँ? अब एक काम करते हैं, जैसे कि मैं हीरोइन हूँ और आप विलन, आपको मेरी इज्जत पे हाथ डालनी है। ओके? इज्जत पे? नहीं। इतना सोच क्यों रहे हैं, एक्टिंग ही तो करनी है। लीजिए पकड़े, रेडी एक्शन। नहीं भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। इतनी हसीन चीज में भगवान के लिए कैसे छोड़ दूं? मुझे क्या मिलेगा फिर? प्रसाद। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। बचाओ बचाओ बचाओ, ये क्या कर रहे हैं आप? लगता है रोल मिलने से पहले अखबार वाले आ गए। भाई साहब अब आप फूल माला हमारे गले में मत डालिएगा। हाँ कसम राजस्थान के राजनीति, जो हमारी बीवी के साथ बदतमीजी की हो ना, अब तुम्हारी फोटो पूरे मथुरा में रायते की तरह फैलेगी। तब लोग तुम्हारी फोटो पे फूल माला जरूर चढ़ाएंगे। ये क्या कह रहे हो? ओए झूठ बोल रहा है तू, और तेरी ये तस्वीर, हम तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे ना नेहा बहन। ये तो सिर्फ हमें पता है ना, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे परिवार को नहीं पता कि हम एक्टिंग कर रहे थे। जब उन्हें इस फोटो के बारे में पता चलेगा ना, तो वो तुम्हें पोस्टर की तरह फाड़ देंगे। पूरे मथुरा में तुम्हारे नाम के काले झंडे लगाकर आंदोलन हो और तुम्हारा पुतला हर चौराहे पर जलाया जाएगा। अरे कसम सूरत की स्याही, ज्यादा थोड़ी ना मांग रहे हैं, सिर्फ 7 लाख रुपए। 7 लाख समझे? 7 लाख, वरना पूरे मथुरा में तुम्हारा मुंह काला करवाएंगे। तो भाई ऐसा कर लो काम को कि पैसे मिल जाए शाम को। शाम को 7 लाख रुपए? वरना पोस्टर छपवा। नहीं, मैं समझ गया। आप लोग ये फोटो किसी को मत दिखाना, मैं 7 लाख रुपए का इंतजाम करता हूँ शाम तक। वाह भाई आदमी तुम वो समझता, वैसे आदमी तुम वो भी महान। 7 लाख रुपए शाम को, चलते हैं जयराम। भैया भगवान
तो फंसा दिया मुझे। नानी जी। हाँ बेटा। नानी जी हमें 7 लाख रुपए चाहिए। 7 लाख रुपए किस लिए? जी वो एक डायरेक्टर हमें मिला है जो हमें हीरो लेकर 7 लाख रुपए में फिल्म बना देगा। महान बेटा, 7 लाख रुपए में फिल्म नहीं बनती, बेवकूफ बनता है। जाओ अपने डायरेक्टर से कहो कि कोई और बेवकूफ फांसे और तुम जाके पॉलिश कर। पॉलिश? एक्टिंग। नाना जी भटूरे नहीं मिलेंगे, बता रहा हूँ। हाँ। अरे भटूरे नहीं चाहिए नाना जी। ओ, नाना जी मुझे 7 लाख रुपए चाहिए व्यापार करने के लिए। ये बेटा 70 रुपए ये रख लो, बाकी का इंतजाम होएगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। ये क्या बात हुई नाना जी, ये क्या बात हुई? 7 लाख रुपए ऐसे मांग रहा जैसे कि किसी रईस के आदमी से मांग रहा है? अबे यार कम से कम आदमी देख के तो मांग, सामने कौन बैठा है? अबे 7 लाख रुपए होते तो यहाँ बैठ के ये भटूरे खा रहा होता, शक्ल भटूरे जैसी हो गई है यहाँ बैठ के, कोई काम ना धंधा। मांग लिए 7 लाख, अटैक आ जाए तो ये ले, ये रख ले। नहीं चाहिए। अच्छा एक भटूरे भिजवा दिए बड़े लाल को बोल के, जाओ। नानी जी हमें 7 लाख रुपए चाहिए। उससे 7 लाख रुपए टीवी सीरियल बनाने के लिए। इतना महंगा सीरियल? अरे नुकसान की चोट खाने से अच्छा है कि यही पैसे हम बैंक में रखकर उसका ब्याज ना खाएं। जाओ बेटो। 7 लाख रुपए नहीं हो गए कि क्या? अरे महान जी अच्छा आप यहाँ मिल गए, पता रिक्शे वाला बाहर खड़ा है, सारे पैसे खत्म कर दिए मैंने, अब कुछ नहीं बचा, 10 रुपए देने उसको दे आइए। ये देखिए मेरी शॉपिंग। क्या 7 लाख रुपए चाहिए? हाँ ना, वो क्या है ना कि हम 7 लाख रुपए में हमारी पेड़े की दुकान का विज्ञापन बनाएंगे और टीवी पर चलाएंगे, उससे हमारी दुकान और भी चलेगी। किसने कह दिया तुमसे? दुकान विज्ञापन बनाने से नहीं, अच्छे पेड़े बनाने से चलती है। अगर तुम्हें दुकान को चलाना है तो विज्ञापन मत बनाओ, राम प्रसाद हलवाई के बगल में बैठकर अच्छे अच्छे पेड़े बनाओ, हमारा दिमाग मत खाओ। लगता है कि अब सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। अजब गजब घर जमाई। नानी जी ये सब क्या है महान? मैं मजबूर हूँ नानी जी। वो तो हम तभी समझ गए थे महान, 3 बार अलग अलग प्रपोजल लेकर आए, फिल्म का, टीवी का, विज्ञापन का, लेकिन किसी हीरो की एक्टिंग की टांग नहीं तोड़ी। सच सच क्या बताओ हमें नानी जी, वो हमारे नाटक की जो हीरोइन थी ना नेहा, अब आप ही बताइए नानी जी, हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा उसने, अब हम क्या करें? क्या क्या करोगे? पूरे मथुरा से जूते खाने को तैयार हो जाओ और क्या? नहीं नहीं चिंटू बेटा, हमारे शक्तिशाली खानदान का इतिहास बहुत रौबदार है जी, हम कैसे बाहर वाले को अपने जमाई को पीटने दें, हम खुद पीटेंगे। अभी हमारी इज्जत का सवाल है तो सोचो क्या करें। और प्रिय नानी जी आपकी इज्जत के साथ ही चिंटू चौटाला की भी इज्जत जुड़ी हुई है, मैं साडू भाई को बाहर वालों से पिटने नहीं दूंगा, और अगर मैं झूठ बोलू ना तो साडू भाई को 10,000 जूते पड़े। झूठ कहूं तो ना साडू भाई, नानी जी मेरे पास बहुत ही गजब की तरकीब है इनको बचाने के लिए। या,
बेटा वो तो हम जानते थे कि तुम्हारे शातिर दिमाग में कोई जबरदस्त तरकीब तो अवश्य होगी। बोलो। जी बिल्कुल नानी जी। नानी जी, शातिर आदमी से निपटने के लिए इंसान को शातिर बनना पड़ता है। ऐसी भोली भाली गाय बनेंगे तो फंसेंगे ही ना है? लेकिन नानी जी, इस तरकीब में ना पूरे शक्तिशाली निवास को मेरा साथ देना होगा। अरे तरकीब तो बताओ बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। नानी जी तरकीब ये है, साढ़ू भाई 7 लाख रुपए लेकर के आप तैयार हो जाओ और उनको देने के लिए यहाँ पर घर में बुला लो। 7 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? नानी जी की जय हो। पैसे लाने में इतनी देर क्यों लगा दी? एक एक नोट चुन चुन के गिन गिन के लाया हूँ, तुम भी गिन लो। नहीं नहीं नहीं, कसम गाजियाबाद के गुलाबों की, देखे बिना ही पता चल गया कि नोट पूरे। अजी सुनते हो, हमारी भी पूरी तैयारी हो चुकी है। वैसे चलिए ना, इस जालिम जमाने से कहीं दूर भाग चलते। बबलू, ये कौन है? अरे कसम पानी पत के पराठों की, मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तुलसी तेरे आंगन की। अरे कौन सी तुलसी, कैसा आंगन, मैं नहीं जानता इसको। हे प्राणनाथ, नोक झोक तो कहानी घर घर की है, अपनी अर्धांगिनी के लिए नहीं, लेकिन अपने होने वाले बच्चे डब्लू के लिए तो ये पवित्र रिश्ता ना तोड़ो। बबलू, ये डब्लू तुम्हारा बच्चा है? अरे कौन सा डब्लू, कोई बच्चा नहीं है मेरा। सजन रे झूठ मत बोलो, तुमने ही तो कहा था कि यहाँ से दूर घर एक मंदिर बनाने के लिए जब तक मैं पैसे लेके नहीं आता तब तक ना ना इस देश मेरी लाडो, और अब इस कभी सौतन कभी सहेली के लिए हमें पहली बना के क्यों छोड़ के जा रहे हैं? अच्छा, तो तुमने जो वादा मुझे किया था वही इसे भी किया था? अरे मैंने कोई वादा नहीं किया। मत कर, मैं पुलिस को बुलाओ। पुलिस को मत बुलाना। आपने पुकारा और हम चले आए, ऐसा नहीं है सच्चे दिल से भगवान, नहीं पुलिस को भी बुलाओ तो पुलिस भी आ जाती है। मैं हाँ इंस्पेक्टर वर्दी, पैन के वर्दी मुजरिम पकड़ दी। अजब गजब घर जमाई। इंस्पेक्टर साहेब बहुत सही समय पर आए हैं रे, गिरफ्तार कर लो इस फांदेबाज को रे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, कसम निजामाबाद के नवाबों की, हम नहायत ही शरीफ किस्म के आदमी हैं। ना ना इंस्पेक्टर साहब, झूठ बोल रहा है ये इंसान, नहायत ही फांदेबाज है ये। ये अपना जुर्म ऐसे कबूल नहीं करेगा। वो ऐसे कैसे कबूल नहीं करेगा, आपा ने मुजरिम ठीक कर दिया बड़े बड़े। यहाँ खड़े। अरे अब ये कौन है? हम बड़े और मुखबिर है साडा, साडे लिए खबर इकट्ठी करता है। रानी जी बुला रही निकल। अच्छा हाँ, तो फिर तुसी लोग की अपना जुल्म कबूल कर लो, वरना मैंने ऐसी सजा देनी है, ऐसी सजा देनी है। मैंने भी नहीं पता कैसी देनी है। बोलो बोलो बहन, अंदर करा दो। इंस्पेक्टर साहब माफ कीजिएगा, मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ, क्या बता सकते हैं कि बलशाली भवन कहाँ है? बलशाली नहीं शक्तिशाली, उधर ही खड़े हो। इतना सही बोले, एकदम एकदम करेक्ट इंडियन पुलिस। अरे ससुर जी, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? हम प्रातःकालीन सैर पे निकले थे। प्रातःकालीन तो जल्दी आ गए ने तुसी। कितना जल्दी? 12 घंटे। साडू भाई, मिस्टर मान। हाँ हाँ जी। तुसी अपना बैग चुको ते अपने सौरे यानी ससुर जी ना चुको और रफा दफा हो जाओ। आओ जी। अब अब अब, अब ससुर जी आओ। क्षमा कीजिए किंतु हमें ऐसा लग रहा है कि हमने आपको कहीं देखा है। देखो वैसे तो सब कुछ भूल जाते हैं, ऐसे टाइम पे याद आना था। वो देखा होगा, देखा होगा, पुलिस चौकी देखा होगा। नहीं याद आया,
याद आया, जमाई बाबू। जमाई बाबू चौकी में नहीं, आपको घर के चौराहे पे देखा है। किंतु चिंटू दाढ़ी मूछ लगाकर नगरपाल का भैंस क्यों बदला? की कल कर रहे चिंटू जी? कसम चंबल के चाकू की, तुम सबके 440 टुकड़े कर देंगे। लाओ बैग लाओ। वो बन रहे थे पुलिस वाले हैं? वो बनोगे पुलिस वाले हैं? सब तुम्हारा खेल खत्म कर देंगे। बैग लाओ। हाँ, जब पड़ता है तो आदमी उठता नहीं और जाता है। कैमरा निकाल, कैमरा कहाँ है? मेन कैमरा, फोटो निकाल कैमरे से। ये नहीं फोटो, ये डिलीट कर। पकड़ इसको, तुझे इसको मिल गया। रॉकेट यहाँ से उड़ाना है। वेरी गुड। ये अब जल्दी से ये माल माल किन के हवाले, हमारी प्यारी नानी जी के साथ हवाले करो। जाओ 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 जल्दी से, पैसे सारे वहीं। शैतान लड़की। अरे पैर छोड़ दे। सांप, ये लो डसो। ये रही आपकी अमानत। जी तेरा बेटा, खुश रहो। महान जी, आप सुनील दत्त से थोड़ा सा ज्यादा और सुनील शेट्टी से थोड़ा सा कम लग रहे थे, बस। नहीं नहीं नानी, हम चुप रहेंगे। नहीं नहीं बेटा, पहली बार हम ये नहीं कहेंगे कि तुम बोला कम करो और चुप ज्यादा रहा करो। बोला कम करो लेकिन। नानी जी, बस आप अपना आशीर्वाद वाला हाथ हमारे सर पर रख दीजिए, उसके बाद। कहा है पन्ना जी, ये लो बोलो। नानी जी, बस आप एक बार हमारी फिल्म में पैसा लगाने के लिए हामी भर दीजिए, फिर उसके बाद आप हमारा एक्टिंग का जौहर, डांस का जौहर और एक्शन का जौहर देखिएगा, कमाल का देखेंगे आप, कमाल का। बेटा महान, जो चीज हमें रोज मुफ्त में देखने को मिलती है उसके लिए हम पैसे क्यों दें? वैसे हाइट वाकई बहुत अच्छी की तुमने, निशाना भी अच्छा है। अब कोशिश करेंगे कि तुम्हारी सिफारिश हम अब की बार रामलीला में कर देंगे। जाम बंद तो वानर सेना के लिए तुम ट्राई कर सकते हो ऑडिशन देने के लिए। हाँ हाँ, यही ठीक है नानी। बोलो प्यारी नानी जी की जय हो। अजब गजब